लोकसभा निर्वाचन 2024 को शांतिपूर्ण संपन्न कराना बालाघाट पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता है। पुलिस अधीक्षक बालाघाट समीर सौरभ के निर्देश पर सभी नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में पोलिंग बूथ, सड़कों और पुल पुलियों के आसपास लगातार BDDS दल द्वारा सर्चिंग अभियान चलाया जा रहा है। लोकसभा चुनाव 2024 को अंतिम सप्ताह शेष रह गया है, वहीं चुनाव को शांतिपूर्वक संपन्न कराने हेतु पुलिस अधीक्षक बालाघाट के निर्देश पर लगातार आचार संहिता के नियमों के तहत कार्यवाहियां की जा रही हैं। जिला बालाघाट भारत के अति नक्सल प्रभावित 12 जिलों तथा प्रदेश के एकमात्र जिले में शामिल है, अतः निर्वाचन प्रक्रिया में विशेष सतर्कता बरती जा रही है। बता दें कि नक्सल प्रभावित मतदान केंद्रों, पोलिंग बूथ सहित उन्हें मुख्यालय से जोड़ने वाले मुख्य मार्गों के पुल पुलिया, घने जंगल, सुनसान मकान, अनावश्यक गड्ढे, सड़क किनारे की नालियां एवं झाड़ियां आदि एंटी सबोटॉर्च एरिया की प्रतिदिन डॉग स्क्वाड एवं BDDS की टीमों द्वारा गहनता से सर्चिंग अभियान चलाया जा रहा है।